ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 38 ऑलमोस्ट हो ही गई थी। ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 38 का ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन ट्राई किया 15th, कितनों का हो गया ये, कितनों ट्राई किया, ट्राई किया था। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है, आपके पास एक रॉड है। हमने रॉड वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम भी किया था, हमने ऐसे किया था कि एक रॉड है और वो यहाँ पर हिंज्ड है और उस फ्री टू रोटेट है और वो ज़मीन पे नीचे गिर गई थी और हमने उस रॉड का ओमेगा निकाला था। तो अगर एक रॉड हिंज्ड है और ग्राउंड पे गिरी, हमने ओमेगा निकाला था, कैसे, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, एम जी इन 12/2, आपको याद होगा सेंटर ऑफ मास से मैंने करने को बोला था इक्वल टू हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर, वहाँ से ओमेगा की वैल्यू आई थी। क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, इस क्वेश्चन में ये जो रॉड है ये ज़मीन पे नहीं गिरी अभी, ये गिरने की कोशिश कर रही है और अभी उसने एंगल कितना बनाया है, थीटा, थीटा एंगल पर वो आ चुकी है। आपको ओमेगा बताना है फिर से क्या होगा, ठीक, इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब ये बताओ कि ओमेगा जो वो क्वेश्चन किया था पूरा, जब ज़मीन पे रॉड गिर गई थी, और ये जो क्वेश्चन है जिस पे अभी थीटा एंगल पे रॉड है, आपको ऐसा फील नहीं होता कि ओमेगा दोनों में सेम आना चाहिए, ओमेगा से क्या लेना देना है यार, रॉड इतना घूमी फर्क पड़ रहा है कि सेम आना चाहिए, डिफरेंट आएगा क्यों, उसका ओमेगा बढ़ेगा, जैसे जैसे नीचे गिरेगी उसका ओमेगा बढ़ेगा 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 और बढ़ेगा, बिल्कुल सही है, तो इसलिए सेम नहीं आना चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है कल को ऑप्शन वही दे रखी हो बीच में एक और, ओमेगा सेम मत करना। तो ये अल्फा का क्वेश्चन है बेसिकली, इसमें जब रॉड अभी ओमेगा नॉट जीरो है, जब गिरेगी तो ये बढ़ता जाएगा, ठीक है, एक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कॉन्सेप्ट वही है कि जब ये रॉड यहाँ पे है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, ये ना, एट ए डिस्टेंस ऑफ एल बाई टू, जब ये रॉड थीटा घूमेगी तो बताओ सेंटर ऑफ मास की लोकेशन रॉड में चेंज होगी कि नहीं होगी, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चेंज होगी जब ये रॉड टेढ़ी घूमेगी, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, इट्स अ रिजिड बॉडी भाई, सेंटर ऑफ मास थोड़ा ना कोई गायब हो जाएगा। अगर ये रॉड यहाँ पर है, तुम येलो कलर का निशान लगा लो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे, और अगर ये रॉड टेढ़ी है तो भी येलो कलर का निशान वहीं पे रहेगा। हाँ ये ज़रूर है कि सेंटर ऑफ मास अंडर ग्रेविटी नीचे आ जाएगा, हाँ थोड़ा सा वर्टिकली नीचे आएगा, कैसे, ये देखो ये डॉट क्या है, सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास अभी कितनी हाइट पर है, एल बाई टू हाइट पर है, जब ये किसी इंस्टेंट थीटा पे आई तो सेंटर ऑफ मास अभी भी एल बाई टू पे ही है, सेंटर ऑफ मास अभी भी रॉड के अंदर ही है, हो तो अंदर तो होना ही है लेकिन डिस्टेंस अभी भी उसका एल बाई टू है, और सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आ गया, एच नीचे आ गया, ये लाइन देख रहे हो सेंटर ऑफ मास की, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, सेंटर ऑफ मास की अब लाइन ये रही, कितना डाउन आ गया, एच डाउन आ गया। और अगर मैं ये पूछूं एच की वैल्यू कितनी है, तो मुझे ये पता है कि ये हाइट कितनी है, एल बाई टू। अगर मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल लूँ, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं, या ऐसा करते हैं ये नहीं लेते, ये ले लेते हैं, अगर मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल लूँ और आपसे ये हाइट पूछूँ ये कितनी है, तो सपोज ये हाइट कितनी है एक्स, ये डिस्टेंस कितना है एल बाई टू, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, एक्स डिवाइडेड बाई एल बाई टू, तो एक्स क्या आएगा, एल बाई टू इंटू कॉस थीटा, सही है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया, एल बाई टू कॉस थीटा, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, एल बाई टू, एल बाई टू में से एल बाई टू कॉस थीटा माइनस करके ये हाइट आ जाएगी, और ये हाइट क्या आएगी, एल बाई टू माइनस एल बाई टू कॉस थीटा, ये हाइट एच आएगी। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, मैथ्स है फिजिक्स थोड़ी ना कोई है, तो फिर ज्योमेट्री से पूछा जा रहा है कि सेंटर ऑफ मास कितना डाउन आया, तो सेंटर ऑफ मास कितना डाउन आया, ये डिस्टेंस एल बाई टू, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये डिस्टेंस आप निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ एल बाई टू, और फिर इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस करके ये डिस्टेंस आ जाएगा आंसर, तो हाइट आ गई। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट नया नहीं है, क्या था, चाहे वो ज़मीन पे गिरे रॉड या ना गिरे, आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, कितनी डिक्रीज हो रही है, एम जी इन टू एच, एच की जगह एल बाई टू वन माइनस कॉस थीटा, तो मैं ये बोल सकता हूँ एम जी
एल बाई टू माइनस एल बाई टू कॉस थीटा यानी कि एच इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। तो कुछ नहीं है, जो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ से एम जी इन टू एल बाई टू वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ। ऐसे केसेज में एक्सिस यही रहता है हिंज पॉइंट, हिंज पॉइंट का मतलब एम एल स्क्वायर बाय थ्री इंटू ओमेगा का स्क्वायर। तो यहाँ से एम कैंसिल भी हो जाएगा, एल से एल कैंसिल भी हो जाएगा और वन माइनस कॉस थीटा को क्या पुट करेंगे, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू पुट कर लें और ओमेगा निकाल लें, एक सॉल्व भी ना करें, साइन थीटा बाई टू ऑप्शन ही एक है, मार्क कर दें उठा के आंसर आएगा, सॉल्व भी क्या करेंगे करके। समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका, कॉन्सेप्ट वही है, जमीन पे गिर गई तो एम जी इंटू एल बाई टू इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जमीन पे नहीं गिरी तो थीटा की फॉर्म में निकाल लेंगे आंसर, तो यहाँ से आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, और कोई डाउट इस असाइनमेंट में से किसी का? टेंथ, इस क्वेश्चन के अंदर टेंथ क्वेश्चन में आपको कितनों को, ये कितनों का हो गया, इसको सॉल्व तक भी नहीं करना। तीन डिफरेंट रास्तों से एक बॉल रोल करती हुई आ रही है, सीधी गिर रही है, यहाँ से गिर रही है और स्टेयर से गिर रही है। नीचे आने की वेलोसिटी सेम है क्योंकि ग्रेविटी के अंडर जो भी वर्क डन किया जाता है या चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, वो तो एम जी एच ही रहेगी ना। तो एम जी एच इज इक्वल टू, अगर कोई बॉडी रोल करती हुई आ रही है तो एम जी एच इज इक्वल टू वॉट, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो आंसर फर्क ही नहीं पड़ रहा, एच ही जब सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी सेम है, तो वेलोसिटी नीचे आने की सबकी सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं, कुछ नहीं इसके अलावा और कोई। ठीक है, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्वेश्चन कैसे करना है।